हेलो गाइस, तो आज चलते हैं वीडियो लेक्चर की तरफ, जिसके अंदर हम आज सीखेंगे रैंक क्या होता है, रैंक कैसे निकालते हैं। तो रैंक के अंदर असल में हमने करना क्या होता है, रैंक के अंदर देखें, हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स होता है ना, तो हम कोशिश करते हैं कि इसकी जो रोज़ है ना, उनको ज़ीरोज़ बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे से वो ज़ीरोज़ बन जाती हैं, तो जो बच जाती हैं ना रोज़ हमारी नॉन ज़ीरो, जो ज़ीरो नहीं बनती उन्हें हम कहते हैं, उनको गिनते हैं, जितनी रोज़ बच जाती हैं जो ज़ीरो नहीं बनती उनको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे मैट्रिक्स का रैंक है। तो चलते हैं सवाल की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसका रैंक निकालने के लिए देखें मैं क्या चीज़ करूं कि जो मेरी कोई रो है वो ज़ीरो हो जाए। तो चलते हैं कोई इसका करते हैं, देखें R3 को अगर मैं माइनस कर दूं किससे, R3 को मैं अगर माइनस कर दूं 5R1 से, ये देखें R3 को मैं कर दूं अगर माइनस 5R1 से, तो क्या होगा, ये मेरा ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पे। और उसके अलावा देखते हैं क्या हो सकता है, अगर मैं R4 को मैं जमा कर दूं, R4 के अंदर मैं जमा कर दूं 2R1, तो देखें क्या होता है। देखें आपके सामने है कि मेरा ये R4 है, इसके अंदर मैं अगर 2R1 को कर दूं जमा, तो क्या होगा, मेरी जो है ये क्वेश्चन और ज़रा सिंपलीफाई हो जाएगा, और ये जो मेरा है फुल कंप्लीट ज़ीरो बनने की तरफ जाएगा। चलें इसको करके देखते हैं क्या होता है। मेरी चार कॉलम से, तो ये 1, 2, 3 और ये 4। अब ये देखें, ये इसको अप्लाई करते हैं, तो ये देखें मैंने क्या किया है, R3 माइनस 5R1, तो जो पहली रो है वो तो वैसे ही आ जाएगी, क्योंकि उसको तो हम छेड़ नहीं रहे, जिसको छेड़ रहे हैं उसके अंदर चेंजिंग आएगी। तो इसके अंदर किसको छेड़ रहे हैं, एक हम R3 को छेड़ रहे हैं और एक R4 को, तो R2 भी वैसे ही आ जाएगी, ये देखें 0 और -2, तो R3 के अंदर चेंजिंग आएगी। R3 के अंदर क्या चेंजिंग आएगी, 5R1 से माइनस होगा, तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 0, और -1 -5 3 15, 15 माइनस 1 ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -16 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा जो हमारा है -2 +2R1, यानी -2 + 2 ये हमारा आ जाएगा 0, -2 + 2 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 + 2 3 = 6, और ये 6 + 3 ये हमारा क्या हो जाएगा 9। तो अब इसके ऊपर कौन सा ऑपरेशन करें जिससे क्या हो जाएगा ये और रिड्यूस हो जाएगा, वो है देखें, अगर मैं -1/2 के साथ R2 को कर दूं मल्टीप्लाई, ठीक है, और -1/16 के साथ कर दूं R3 को, एंड 1/9 के साथ कर दूं R4 को, तो देखें क्या होगा, मेरा जो मैट्रिक्स है वो क्या किस फॉर्म के अंदर आ जाएगा। ये देखिए इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ, तो ये मेरा किस किस को कर रहा हूँ, R2 को कर रहा हूँ, R2 के अंदर का साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा -1/2, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, माइनस ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 1। तो सबसे पहले मैं देखें जिसको नहीं छेड़ा वो मैं वैसे ही लिख लूँगा, 1 और 3 मेरा वैसे ही आ गया, क्योंकि इनको मैं नहीं छेड़ा, किसको छेड़ा हूँ, R2 को छेड़ा हूँ, उसके अलावा R जो है 4 को छेड़ा हूँ, ठीक है। तो इसको करके देखते हैं क्या होता है, ये मेरा आ जाएगा 0 0 0, और ये आ जाएगा 1 1 1। अब देखें क्या ये इससे भी ज़्यादा रिड्यूस हो सकता है, हाँ देखें ये हो सकता है, कैसे हो सकता है, देखें अगर ये मेरे 1 है, इनको भी मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ, कैसे, मुझे ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा R3 -R2, तो इससे क्या हो जाएगा, जो मेरी R3 है उसका ये 1 है वो क्या हो जाएगा, इससे माइनस होकर 0 हो जाएगा, और देखें वो नीचे एक और 0 है, उसको मैं किस तरह ख़त्म कर सकता हूँ, अगर मैं कर दूँ R4 -R2, तो उससे क्या होगा, मेरा ये भी ख़त्म हो जाएगा, तो मेरा गिवन मैट्रिक्स का बच जाएगा पीछे, ये देखें 1 0 0, और ये 3 1, क्योंकि हम किसको नहीं छेड़े, 1 और 2 को नहीं छेड़े, तो किसको छेड़े, R3 और R4 को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 0, कैसे आया 0, ये इससे माइनस हो गया और ये इससे माइनस हो गया, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा 0 0। अब देखें इसका रैंक क्या होगा, नॉन जीरो रोज़ मैंने आपको कहा था कौन सी हैं, ये भी 0 वाली रो है, ये भी 0 वाली रो है, तो कौन सी नॉन जीरो रो है, 2, तो इसका रैंक क्या हो जाएगा 2। अब करते हैं इसका
है, रैंक निकालते हैं। तो वही काम करना है, क्या करना है कि हम कोशिश करनी है कि किसी तरह जो हमारा है 0-0 वाली रोज़ बन जाए। तो उसके लिए हमें कुछ ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। रो ऑपरेशंस तो देखें मैं करने लगा हूँ कुछ रो ऑपरेशंस। बाय देखें हम, मैं R2 को क्या करने लगा हूँ, 2R1 में से माइनस करने लगा हूँ, जिससे क्या होगा ये देखें 2 - 2 0 हो जाएगा ये। ठीक है, इसके अंदर कुछ चेंजिंग आई, लेकिन मेरे क्या होगा इस ऐसा ये जो है 0 बनने लग जाएंगे। R2 को मैं माइनस कर रहा हूँ 2R1 से, और मैं क्या कर रहा हूँ R3 को माइनस कर प्लस कर रहा हूँ 2R1 में। और एक और ऑपरेशन से मैं यहीं पे कर सकता हूँ जिसके ज़रिए मुझे और आसानी हो जाएगी, R4 + R3। तो इसमें किस किस रो में मेरी चेंजिंग आएगी, R2, R3 और R4 के अंदर, और R1 मेरी क्या हो जाएगी वैसे ही आ जाएगी। तो ये मैं लिख लूँगा पहले R के, ये मैं रैंक निकाल रहा हूँ। तो देखें चेंजिंग कैसे आएगी, पहली मेरी वैसे रहेगी 1, 2 - 3, ये मेरी वैसे रहेगी। तो जो मेरी चेंज होगी वो कौन सी होगी, R3। अब उसके ऊपर जो कैलकुलेशन अप्लाई होगी आ जाएगी 0 - 3 और 6। देखें 2 - 2 R1, 2 - 2 0, और बाकी उसी तरह मल्टीप्लाई हो गए 4 - 3। इस तरह क्या हो जाएगा, चेंजिंग हो जाएगी। तो 4 में से 1 निकाला तो 3 रह गया। इसी तरह अगला जो है मेरा वो इस तरह हो गया। अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है। जो मैंने और भी अप्लाई किया, R3 भी अप्लाई किया, R3 को मैंने क्या किया, R3 को जमा कर दिया मैंने 2R1 के अंदर। तो उससे क्या चेंजिंग हुए हैं, ये माइनस में था तो ये 2R1 से ये क्या होगा 0 हो गया, और उसी तरह बाकी जो हैं हो गए। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से करना है आपने ताकि आपकी मिस्टेक ना हो। और फिर R4 + R1, ये 4 और ये 0 हो गया, -1 + 1 0, 4 और 2 क्या होगा 6 हो गया, -3 - 2 - 5, ये मेरा क्या आ गया ये। अब क्या करना है, ये देखिए मेरे 0 आ गया। मैं कोशिश करूँगा कि मेरी जो एक रो है वो पूरी क्या हो जाए, 0 हो जाए। उसके लिए मुझे सबसे पहले ये माइनस वाली वैल्यूज़ ख़त्म करने लगाऊँ ना, मैं क्या करने लगाऊँ -1/3 की इसको मल्टीप्लाई करने लगाऊँ R2 को, और 1/3 किसको R3 को। इससे क्या होगा देखते हैं, हर किसी का माइंड डिफरेंट है, वो अपने लिहाज से कर सकता है क्योंकि जो उसका लॉजिक बन रहा है वो उसको यूज़ कर सकता है। तो ये क्या आ जाएगा 1 0 0 0, इनके अंदर कोई चेंजिंग नहीं हो रही। चेंजिंग किसके अंदर होगी, इसके अंदर, ये जो -3 के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगी R2 के साथ 1, तो ये क्या होगा माइनस एक कट जाएगा और 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा, और यहाँ पे क्या रह जाएगा 2 रह जाएगा। 3 2 3 2 6 होता है। ठीक है, तो ये जो मेरी पहली रो है ये तो वैसे ही आ गई। अब इसके और किस में चेंजिंग हो रही है, R3 में हो रही है, जो लास्ट वाली है उसको वैसे ही लिख देंगे। तो R3 के अंदर चेंजिंग आ रही है, R3 के अंदर क्या चेंजिंग आ रही है, 1/3 से मैंने डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, 3 की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और -3 की जगह क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो अब मैं इसके ऊपर कोई और ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो ऑपरेशन में अप्लाई करने लगाऊँ R3 को, मैं करने लगाऊँ R2 से माइनस, जिससे क्या हो जाएगा मेरी ये जो है फॉर्म और रिड्यूस हो जाएगी, और R4 - 6 R2। तो अब ये कैलकुलेशन देखें आप, ये मैं फुल आपको इजीएस्ट वे के अंदर करवा रहा हूँ, जिससे क्या हो जाएगा आपका जो रैंक है इजी वे में आ जाएगा। तो मेरे ऑपरेशन से क्या होगा देखें, R3 में से R2, अब कौन कौन सी चेंज होंगी रोज़, पहले तो मेरी रोज़ चेंज होगी R3 और R4। जो पहली वाली हैं वो वैसे ही रहेंगी, तो मैं वैसे लिख दूँ 1 2 - 3 0 1 2। तो जो चेंज होंगी उनके अंदर चेंजिंग कर दें। तो मैंने क्या किया, R3 को R2 से माइनस किया, तो ये 1 - 1 0, ये भी 0 हो जाएगा, और जो है R3 - 1 - R2 ये क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, और इसी तरह नीचे वाली 0 0 - 17। ठीक है, अब देखें मेरी रो के अंदर कौन सी जगह रह गई, ये 3 और ये 17। मैं चाहूँगा कि ये भी मेरा ख़त्म हो जाए, इसकी जगह भी क्या आ जाए 0 आ जाए। तो देखें मैंने जिस तरह पीछे करता आया हूँ, मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा R3 को -1/3 के साथ, और जो है मेरी R4 उसको -1/17 के साथ। तो इससे क्या हो जाएगा, मेरी ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे। तो ख़त्म होने के बाद मेरा जो मैट्रिक्स है वो क्या बनेगा, देखिए मैंने आपको बताया चेंजिंग किस में आती है, जिसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं हम, बाकी सारों के ऊपर कोई चेंजिंग नहीं आती। तो किस चीज़ पर कर रहा हूँ, R3 R4 पे, तो बाकी वैसे ही आ जाएंगे। तो ये देखें 0 0, ये इसके साथ -3 के साथ जब डिवाइड होगा -1/3, तो ये क्या आ जाएगा मेरा 3 3 से कट जाएगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1, और ये क्या एंड पे मेरा निकल आएगा ये -17 जब डिवाइड होगा तो क्या आएगा 1। तो ये मेरे पास सिस्टम क्या हो गया, अब देखिए 1 1 है, तो इसके अंदर सबसे जो अच्छा मेरा हल है वो क्या है, R4 को माइनस कर दूँ R3
थ्री से, तो क्या होगा, ये तो ज़ीरो ज़ीरो से जो भी है वैसे ही रहेगा। होगा क्या कि जो मेरा वन टू माइनस थ्री, जब ये आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफ़ी इजी लगेगा, देखने में तो ये काफ़ी मुश्किल लग रहा है ना, लेकिन जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो देखेंगे ज़ीरो ज़ीरो, ये तो ज़ीरो को जिससे भी मर्जी माइनस करो, ज़ीरो के साथ ही करोगे तो ज़ीरो ही आएगा ना। तो देखें वन को वन से करेंगे तो क्या आ जाएगा, ज़ीरो ज़ीरो, क्योंकि मैंने पिछले टाइम अप्लाई किस पे किया, आर फोर पे, तो किस में चेंजिंग आएगी, आर फोर में, तो ये वन वैसे का वैसे ही ऊपर से उतर आएगा। तो इस टाइम मेरे क्या आ गई हैं, कितनी रोज बन गई हैं, एक रो मेरी बन गई है ज़ीरो। अब देखें इसके ज़्यादा मेरे से और सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा तो मेरा जो सवाल है वो आगे पीछे होता जाएगा, फिर कोई ना कोई वन हो जाएगा, कोई ना कोई। इस टाइम मेरे पास एक रो आ गई है ज़ीरो की, तो इसका रैंक क्या होगा, रैंक क्या होता है कि जो नॉन ज़ीरोज़ रोज़ होती हैं उनको काउंट करना होता है। तो इसमें कौन सी ऐसी रोज है जिसमें फुल ज़ीरो नहीं है, एक दो तीन, ये मेरा इसका रैंक आ गया है तीन। तो ये था एक क्वेश्चन जो कि मैं आपको समझा था कि रैंक कैसे निकालते हैं, मैंने दो उसकी एग्जाम्पल्स भी करवा दी हैं ताकि आपको बहुत ईजिली समझ आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल।